इंडिया टीवी पर आपकी अदालत शो के दौरान जब मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से प्रख्यात पत्रकार रजत शर्मा ने पूछा कि आतंकवाद जैसी समस्या का समाधान क्या है, तो नरेंद्र मोदी का दो टूक उत्तर था। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान को लेकर लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। नरेंद्र मोदी केवल बातों के ही शेर नहीं थे, अपितु उन्होंने अपने राज्य में ऐसी ही एक विकट परिस्थिति में सिद्ध भी किया है कि ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाता है। 19 वर्ष पहले आज ही के दिन गुजरात के गांधीनगर में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर पर हुआ आतंकी हमला निस्संदेह भारत के लिए एक चुनौती थी, परंतु ये वो अवसर भी था जिसने नरेंद्र मोदी के उस व्यक्तित्व की नींव की स्थापना की जिसके कारण आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा देश काफ़ी हद तक आतंकी हमलों से सुरक्षित है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में एक कांधार जैसी घटना होने से रोक दिया था तथा अपने मजबूत नेता के व्यक्तित्व की नींव की स्थापना भी की थी। ये वो समय था जब भारत एक महत्वपूर्ण बदलाव के समय से गुजर रहा था। देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। एक ओर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA की गठबंधन सरकार गोधरा के पश्चात हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण बैकफुट पर थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था कई वर्षों के बाद एक नई उड़ान भरने को तैयार थी। इसी समय गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में थी, जिन्हें मीडिया गोधरा के पश्चात एक क्रूर प्रशासक के तौर पर स्थापित करने का अपना प्रोपेगेंडा आरंभ कर चुका था। नरेंद्र मोदी को CM बने एक वर्ष भी नहीं हुआ था, लेकिन पहले भुज में आए भूकंप से संबंधित राहत कार्य और फिर 2002 के गोधरा कांड ने गुजरात को झकझोर कर रख दिया था। इसी बीच 24 सितंबर 2002 को शाम 4:45 बजे एक सफेद अम्बेसडर कार से 4 आतंकी गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम के समक्ष उतरे। वो कंधों पर बस्ते टांगे मंदिर में प्रवेश करने लगे। जब मंदिर के स्वयं सेवकों ने तलाशी लेने का प्रयास किया तो इतने में 2 आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां और ग्रेनेड बरसाने आरंभ कर दिए और जल्द ही उन्होंने अक्षरधाम मंदिर के प्रांगण में त्राहिमाम मचा दिया। आतंकियों के इस खूनी तांडव में 25 से 30 निर्दोष दर्शनार्थी मारे जा चुके थे और 80 से अधिक लोग घायल हो चुके थे। इस हमले का उद्देश्य स्पष्ट था, 2002 के गुजरात दंगों का इंतकाम लेना, जिसके लिए आतंकियों को पाकिस्तान में विशेष प्रशिक्षण भी मिला था। आतंकियों का एक उद्देश्य और भी था, सोमनाथ की तर्ज पर अक्षरधाम मंदिर का विध्वंस करना। परंतु मंदिर के पर्यवेक्षकों में से एक खोड़ा सिंह जाधव ने खतरे को भांपते हुए जोखिम उठाया और गोलियों की बौछार के बीच मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। इसी बीच ये खबर गुजरात सरकार और केंद्र सरकार दोनों तक पहुंची और दोनों ही धर्म संकट में पड़ गए। 1999 के कुख्यात कांधार विमान हाईजेक कांड के बाद ये दूसरी ऐसी विकट परिस्थिति थी जहाँ केंद्र सरकार के समक्ष करो या मरो की स्थिति थी। यही स्थिति गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भी थी, जो गोधरा कांड के पश्चात वामपंथी मीडिया के निशाने पर निरंतर बने हुए थे। यदि इस समय उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कांधार से भी बुरा हश्र होना तय था। परंतु वो कहते हैं ना, विपत्ति में ही व्यक्तित्व की पहचान होती है, और इसी विपत्ति में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व सामने निकल कर आया। उन्होंने बिना विलंब किए तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से NSG को तत्काल प्रभाव से गांधीनगर भिजवाने की अपील की। जल्द ही NSG नियुक्त की गई और देखते ही देखते रात 10:30 बजे तक गुजरात पुलिस और NSG के संयुक्त नेतृत्व में अक्षरधाम मंदिर के प्रांगण में छिपे आतंकियों पर धावा बोला गया। एक तरफ घायलों और अन्य दर्शनार्थियों को सकुशल बाहर निकाला गया तो वहीं दूसरी ओर आतंकियों को ढूंढने का काम भी जारी रहा। आखिरकार प्रातःकाल 6:45 में दोनों आतंकियों को यमलोक भेज दिया गया। 24 घंटे से भी कम समय में अक्षरधाम मंदिर को आतंकियों के नियंत्रण से मुक्त करा लिया गया। इस पूरे प्रकरण पर हाल ही में कुछ माह पूर्व G5 पर एक फिल्म भी प्रदर्शित हुई थी, स्टेट ऑफ सीज द टेम्पल अटैक, जिसमें अक्षय खन्ना NSG कमांडो मेजर हनुज सिंह की भूमिका में थे। अक्षरधाम मंदिर पर आए इस संकट का निवारण करने के कारण ही नरेंद्र मोदी को जनता का खोया प्यार पुनः प्राप्त हुआ। चुनावी विशेषज्ञों के दावों के ठीक उलट 2002 के विधानसभा चुनावों में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला और 125 से भी अधिक सीटों के साथ भाजपा ने पूर्ण बहुमत सहित सरकार बनाई। यहीं से उन नरेंद्र दामोदर दास मोदी के मजबूत व्यक्तित्व को भी विश्व ने जाना, जिसका संपूर्ण स्वरूप आज भारत तथा विश्व भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नए भारत की संरचना करते हुए देख रहा है। ये वही व्यक्तित्व है जो न केवल शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर घर में भी घुसकर मारता है।